Swam Dharma Drash चल के आप ईश्वर के घर कभी गए होंगे, हाथ से पकड़ के कभी ईश्वर को देखा होगा, ईश्वर को सूंघा होगा, चाटा होगा, देखा होगा, छुया होगा। आखिर ईश्वर के बारे में आपको जानकारी किस इंद्रिय से प्राप्त हुई है? माने आपके प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय ईश्वर कभी हुआ है क्या? अब ये है कि छोटे मोटे लोग ही कोई ईश्वर मान लेते हैं, बोले हमारा ईश्वर तो यही है। खुशामदी लोग बादशाह को ईश्वर बताते हैं, हमने देखा है। पत्नी अपने पति को ही ईश्वर बताती है कि हमने देखा है। बच्चे फोटो को ही ईश्वर बताते हैं कि हमने देखा है। तो चाहे जिस किसी को ईश्वर मान बैठना ये बात दूसरी है, और ईश्वर के बारे में जानकारी होना, अनुभव होना, ये बात दूसरी है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। तो बोले अच्छा भाई, कोई बुद्धिमान आदमी होए तो कहे कि इतनी बड़ी सृष्टि जिसने बनाई, बिना बनाए कैसे बन गई? एक नास्तिक था, तो अपने बच्चों को शिक्षा दिया करता था कि सृष्टि बनाई नहीं गई, अपने आप ही बन गई, प्रकृति से बन गई, स्वभाव से बन गई, काल से बन गई, जदृच्छा से बन गई, बनाई नहीं गई, अपने आप बन गई है, कोई ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं। तो उसके बेटे ने क्या किया, एक चित्र बनाया और चित्र बना के अपने पिता की मेज पर रख दिया। पिता ने पूछा ये चित्र किसने बनाया? तो बेटे ने कहा पिताजी अपने आप ही बन गया है। बोले भला अपने आप इसी नाक कैसे बनेगी, आंख कैसे बनेगी, और इतना सुंदर चित्र अपने आप बन जाएगा? ये मकड़ी अपने पांव में स्याही पोत के घूमेगी कागज पर और तस्वीर बन जाएगी? गुणाक्षर न्याय से थोड़ी ये तस्वीर बनती है। पिताजी जरा सी तस्वीर किसी के बनाए बिना नहीं बनती है, तो इतनी बड़ी सृष्टि बिना बनाए कैसे बनेगी? बोले कि ये तो अनुमान हुआ। कही ये अनुमान नहीं हुआ, ये संभावना हुई, बोला शुद्ध अनुमान नहीं हुआ। अनुमान का ये हम खंडन कर रहे हैं इस बात का, बोला कि अनुमान प्रमाण नहीं हुआ, क्योंकि बनाई हुई चीज देखी गई दूसरी, बनाने वाला दूसरा, और उसके बल पर अनुमान दूसरी चीज के बनाने का और दूसरे बनाने वाले का किया गया। चित्र बनाया गया और लड़के ने बनाया। अनुमान प्रमाण में ये विशेष बात होती है, जिसको प्रमाण बोलते हैं।
हमारे तो केवल अनुमान का निरूपण करने के लिए ग्रंथ पर ग्रंथ है ना। अशुद्ध अनुमान कैसे होता है? हित्वाभास जो अनुमान के कारण मालूम पड़ते हैं वो बिल्कुल झूठे हो सकते हैं। न्याय शास्त्र जो है वो प्रमाण का निरूपण करने के लिए है। आप लोगों ने कभी हिंदी में वृत्ति प्रभाकर नाम का ग्रंथ पढ़ा हो? अच्छा, तो उसकी बात छोड़ते हैं। देखो, घर में जब अग्नि और धूम के संबंध का प्रत्यक्ष हो लेता है और ये बात ज्ञान में आ जाती है कि जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, तब पहाड़ में धुआं देखकर आग होने का अनुमान होता है ना। लेकिन एक बात है, अनुमान से सिद्ध जो वस्तु होती है ना, वो पहले तो अग्नि और धूम के संबंध का प्रत्यक्ष हुआ है और बाद में जहां अग्नि का अनुमान होगा वहां जाने पर अग्नि का प्रत्यक्ष होगा मिलेगा। माने अनुमान प्रमाण से सिद्धि होगी प्रत्यक्ष की। वो प्रत्यक्ष में देखी गई आग और धुआं दोनों का रिश्ता, और पहाड़ में देखा गया धुआं उससे आग का अनुमान हुआ, लेकिन उस धुएं को देख करके वहां जाओ तो वही आग मिलेगी तुमको जो रसोई घर में देखी थी, प्रत्यक्ष होगा। तो केवल संभावना मात्र पर अपने बेटे को तुम ईश्वर मानो, इसमें तुम्हारी मर्जी। मरने वाले को ईश्वर मानो, आंख बंद कर लो, बोले हमारे गुरुजी तो कभी मरेंगे ही नहीं। अरे तुम्हारे गुरुजी बच्चे से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, दांत उनके टूट गए, बाल उनके पक गए, झुर्रियां उनकी पड़ गई, सारे विकार शरीर में हो रहे हैं, तो मरेंगे क्यों नहीं? तो अब आंख बंद करके कोई ऐसा माने, बोले हम जिस मूर्ति को ईश्वर मानते हैं ये मूर्ति कभी फूटेगी नहीं। तो मूर्ति तो बनाई गई है, गढ़ी गई है, पैदा हुई है, टूटेगी फूटेगी। तो ये केवल अनुमान मात्र से ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। ईश्वर का कोई उपमान नहीं है, बोला अर्थापत्ति नहीं है, अनुपलब्धि नहीं है। आप जरा गौर से देखना कि आपको ईश्वर के बारे में जितनी जानकारी है वो क्या आपकी इंद्रियों ने दी है, क्या आपकी ही बुद्धि ने सोच सोच के ईश्वर के बारे में जानकारी दी है? जानकारी नहीं दी है, संभावना मात्र दी है, उपमान नहीं दिया। आप कभी भी गंभीरता से विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ईश्वर के बारे में आपके मन में जितने संस्कार हैं और जितनी जानकारी है वो सुनी हुई है या सुनने से जो मनन हुआ है उससे हुई है। और श्रवण तो आप नारायण दूसरे से ही करके आए होंगे, माँ से सुना होगा ईश्वर के बारे में, बाप से सुना होगा, भाई से सुना होगा, परिवार में सुना होगा, मित्रों से सुना होगा, पंडितों से सुना होगा, साधुओं से सुना होगा, व्याख्यान सुन के आते होंगे। ईश्वर आपका देखा हुआ है कि नहीं है सवाल तो ये, और देखा है तो कब? जागृत में देखा तो विषय है, जड़ है, स्वप्न में देखा तो कल्पना है, सुषुप्ति में देखा तो अंधकार है। और यदि कहीं भी साक्षी के सामने वो आया तो आया और गया, अनित्य है। ये जो तुम्हारा दावा है कि हम अपनी इंद्रियों से या बुद्धि से, तो वही वामदेव को तो गर्भ में ही ज्ञान हो गया कि मैं परमात्मा हूं, ये उपनिषद में है। चलो बात तो ये भी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, है? लेकिन है उपनिषद में, गर्भ में ही वामदेव को ज्ञान हुआ। अहम मनुरभवम सूर्यश्च। तो वही अहम ब्रह्मास्मि भी वामदेव ने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं। तो बोले कि आखिर जब ये जान लिया
तो इस ज्ञान को अपने आप समझने के लिए, ज्ञान दृश्य नहीं होता, ये बात कई लोगों को मालूम होगी कि नहीं होगी, वो वृत्तियारूढ़ होने पर ही ज्ञान ज्ञात होता है, वृत्ति ज्ञान ही ज्ञात होता है। और वृत्ति में जब आता है तब शब्दोल्लेख होता है। वामदेव ने जाना, क्या जाना, अहम ब्रह्मास्मि इति, मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूँ। तो मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूँ ये जब वामदेव ने जाना तो उसकी बुद्धि में शब्द के द्वारा उल्लेख हुआ। अब प्रश्न यह है कि वामदेव की बुद्धि में अहम ब्रह्म अस्मि ये तीन शब्द कहाँ से आए जिनसे एक वाक्य बना, ये भी तो कहीं से आने चाहिए ना। वो बोले कि पूर्व जन्म में वामदेव ने सुना हुआ था और उस सुने हुए तीनों शब्दों का संस्कार उसकी बुद्धि में था, किसी प्रतिबंध के कारण उसका अर्थ उदय नहीं हुआ, अब प्रतिबंध की निवृत्ति होने पर वही शब्द अपना अर्थ लेकर के जाहिर हो गए। आखिर अहम ये संस्कृत भाषा का शब्द है ना, ब्रह्म ये वैदिक शब्द है कि नहीं है, अस्मि ये वैदिक शब्द है कि नहीं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी से सुना हुआ होगा, वो बुद्धि में उसका संस्कार होगा, वो समय पर उदय हुआ, अर्थ ज्ञान उस समय नहीं हुआ होगा, अब हो गया। क्यों, अर्थ ज्ञान हो गया होता तो जन्म नहीं होता, ये बात बिल्कुल पक्की थी। अब कहो कि भाई एक बात आपको सुना, जो वस्तु कालातीत है उसको आप अपनी इंद्रिय से, मन से, बुद्धि से कैसी अनुभव करके जानोगे? जो वस्तु देशातीत है, जो वस्तु द्रव्यातीत है, करणातीत है, हैं? और साक्षी में आरोपित जो परिच्छिन्नता, उस परिच्छिन्नता से अतीत है, उसको कैसे जानोगे? तो देखो, असल में जो लोग नहीं जानते हैं वो सुनेंगे हमारा व्याख्यान और उनके मन में ये बात बैठ जाएगी कि ये आत्मा परमात्मा है। तो आज साक्षात्कार भले न होए, लेकिन इसमें जो रुकावट है वो रुकावट दूर हो जाने के बाद, रुकावट क्या है, धन में मोह है, परिवार में मोह है, देह में मोह है, अन्य में ममता है, ये सब रुकावट हैं, ये मैं को ब्रह्म समझने में बाधा डालते हैं। ये रुकावटें जब दूर हो जाएंगी तब तुम समझ जाओगे और कहोगे कि हमारे कोई गुरु नहीं है। लेकिन ये आज जो गुरु सुना रहा है ये उस समय भी तुम्हारा गुरु रहेगा। तो नारायण, जब अनुभव का उल्लेख शब्द के द्वारा होता है और शब्द किसी न किसी भाषा के होते हैं, तो वो भाषा तो संस्कार जन्य ही होगी, ये बात तो माननी पड़ेगी, बोला भाषा संस्कार जन्य होगी। इसलिए आत्मा और परमात्मा की एकता का बोधक जो वाक्य होगा वही मंत्र होगा, उसका नाम होगा तत्वमसि, उसका नाम होगा अहम ब्रह्मास्मि। और जिससे तुमने सुन के, अंतकरण ने जिससे सुन करके इसका संस्कार ग्रहण किया होगा वो गुरु होगा। अच्छा, तो अब आओ नौ मस्कंद की बात सुना। ये तो थोड़ी सी पहले वेदांत की चर्चा करनी थी और एक प्रश्न भी था, ऐसा उसका उत्तर भी देना। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज तो कहते थे, शंकराचार्य, कि चाहे तुम हमको मानो चाहे मत मानो, हम तो तुम्हारे गुरु है ही हैं, है ना? तुम हमको गुरु मानो कि मत मानो, लेकिन मैं तुमको अपना चेला मानता हूँ, ऐसे बोलते थे। तो ये बात सुनाई कि सामान्य धर्म के द्वारा दुष्चरित्रता और दुर्वासना की निवृत्ति होती है, ये बात सातवें स्कंध में कही गई। अधिष्ठानम तथा कर्ता, पांच के द्वारा कर्म होते हैं, न्याय, न्याज्य और विपरीत, दोनों कर्म इन्हीं पांचों के द्वारा संपन्न होते हैं।
और विद्या के भी 5 पर्व होते हैं और अविद्या के भी 5 पर्व होते हैं, और इनके आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक 3 भेद होने से 5-5, 5-15 अध्याय सप्तम स्कंद में है। असद वासना हिरण्यकशिपु आदि में, सद वासना प्रहलाद आदि में, और सदसद वासना युधिष्ठिर आदि में उनका निराकरण किया। तो वो तो है कर्म मूलक वासना, वो धर्म से निवृत्त होती है, तो 7वें स्कंध में धर्म का वर्णन है। 8वें स्कंध में प्रकृति के जो 24 गण होते हैं, प्राकृत दोष की निवृत्ति के लिए मन्वंतराणि सद्धर्म, भागवत धर्म का वर्णन है। और ये बात आपको सुनाई कि 14 मनु किन 14 धर्मों की स्थापना करते हैं, वो सब के सब भागवत धर्म है, भक्ति धर्म है। मनु जी किसका करते हैं, पहले मनु, दूसरे मनु, तीसरे मनु, ऐसे। और फिर 4 प्रकरण अष्टम स्कंध में सुनाए, एक तो भगवत स्मरण प्रकरण, तो निर्गुण ब्रह्म का स्मरण मनु जी करते हैं विरक्त, और भगवान उनकी रक्षा करते हैं। सगुण ब्रह्म का स्मरण करने गए इंद्रद्युम्न, लेकिन अभिमान हो गया और गुरु नहीं बनाया तो, और शैव विरोधी हो गए, वैष्णव तो थे पर शैव विरोधी हो गए, अगस्त्य के विरोधी, अगस्त्य का अपमान कर दिया और अभिमान हो गया, और गुरु दीक्षा नहीं ली, कायदे से संप्रदाय में सम्मिलित नहीं हुए, तो रास्ते में पड़ा हुआ धन उठा के कोई धनी नहीं होता है, क्योंकि वो तो उसके हक का नहीं है, पुलिस को मालूम हो जाए तो पकड़ ले जाए। अब वहां भी भगवत भक्ति का ऐसा अनुभव कि भगवान ने रक्षा की। फिर भगवान ने सारी सृष्टि को 14 रत्नों का दान किया जिससे लोग परलोक हो सके, और बलि ने अपने संपत्ति में नहीं, विपत्ति पड़ने पर भी अपने सर्वस्व का दान कर दिया, लोक का दान, परलोक का दान, अंग का दान, ये अध्याय क्रम है। और सत्य व्रत ने प्रतिज्ञा का निर्वाह किया। तो ये जो धर्म है 24, ये प्रकृति के 24 तत्वों की शुद्धि करने वाले हैं, और वेदोक्त धर्म के प्रवक्ता मत्स्य भगवान हैं। उन्होंने पहले राजा से अपनी रक्षा करवा ली और फिर राजा की रक्षा की, और राजा की रक्षा की तो ज्ञान दान करके अविद्या का नाश किया। बोला वहां जो, ये तो मत्स्य पुराण में बड़ी विलक्षण कथा है, भागवत के तो एक ही अध्याय में है ना। तो राजा ने कहा कि महाराज हमारे गुरु तो आप ही हो, क्योंकि वेद का उद्धार तुमने किया, रक्षा तुमने हमारी की। तो उन्होंने बताया कि ये अनादि अविद्या जो है अनिर्वचनीय, इससे जीव इस संसार में फंसा हुआ है। अनिर्वचनीय का अर्थ भी अधिष्ठान से अभिन्न नहीं होता है। अनिर्वचनीय जो वस्तु होती है वो जिसमें दिखती है उससे जुदा नहीं होती, ये अनिर्वचनीय वस्तु का नियम है। जैसे सांप अनिर्वचनीय है और रज्जू में दिखता है, तो सांप को ना भी नहीं बोल सकते क्योंकि आंख से दिख रहा है, और हां भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो रस्सी में है ही नहीं। तो रस्सी में जो अनिर्वचनीय सर्प दिखता है वो रस्सी से भिन्न नहीं होता। इसी प्रकार ये जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है इंद्रियों से, तो हम लोग तो बड़ी भारी चोट करते थे पहले। एक ने कहा कि ये देखो दुनिया दिख रही है, ये क्यों नहीं है? कैसे दिख रही है? कहा इंद्रियों से दिख रही है। मैंने कहा तुम दुनिया शब्द का अर्थ में इंद्रियों को क्यों नहीं गिनते हो? दुनिया से दुनिया दिख रही है। अंतःकरण से दिख रही है। क्या तुम अंतःकरण को संसार क्यों नहीं मानते? संसार ही से संसार दिख रहा है। जहां तुम अंतः संसार को छोड़ दो वहां तुम्हें संसार नहीं दिखेगा, ब्रह्म दिखेगा। तो तत्व दृष्टि से प्रपंच नहीं है, ब्रह्म है, और प्रपंच के ही एक अंश को मैं मेरे के रूप में स्वीकार करके अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा देखते तो प्रपंच की सिद्धि होती है। तो कालातीत, देशातीत, द्रव्यातीत, अनात्म शून्य, करण शून्य, कर्तृत्व शून्य, भोक्तृत्व शून्य, जो आत्म तत्व है उसका बोध कैसे हो? तो अच्छा आप चलो 9वें स्कंध में ईश्वर और ईश्वर के अनुवर्ती जो भक्त हैं उनके चरित्र का निरूपण है।
तो आपको मालूम है कि मनु भी ईश्वर के अवतार ही होते हैं। छह छह पदार्थ हर मनवंतर में होते हैं, मनु, मनुपुत्र, सप्तर्षि, देवता, इंद्र, है ना, ये सब जो हैं। तो जैसे मनु हरि के अंशावतार हैं, वैसे मनुपुत्र भी ईश्वर के कलावतार हैं। तो कर्मगत वासना की निवृत्ति करने के लिए सप्तम स्कंध है और प्रकृतिगत वासना की निवृत्ति करने के लिए अष्टम स्कंध है, भक्ति सत्कर्म, और जीवगत वासना की निवृत्ति के लिए ये अनुग्रह, भगवान की भक्ति अनुग्रह है, नवम स्कंध जो है वो ईश्वर चरित्र है। ईश्वर चरित्र है माने वो लोगों का कैसे कल्याण करता है ईश्वर, ईश्वरानुग्रह। तो जीव में तो भी वासना है नहीं, वस्तुतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में कोई वासना नहीं है। प्रकृति के तत्वों को ही मैं मेरा समझ करके ये आत्मा वासनावान बना हुआ है, इसलिए प्रकृतिगत वासना की निवृत्ति के लिए जितने अध्याय होने चाहिए, जीवगत वासना की निवृत्ति के लिए भी उतने ही अध्याय होने चाहिए, 24-24 दोनों। क्योंकि जीव ने मैं और मेरा जो मान रखा है, किसको मैं मेरा माना, तो बोले प्रकृति को ही तो मैं मेरा माना ना। तो प्रकृति में जैसे 24 भेद होते हैं, वैसे प्रकृति के अध्यास से युक्त जीव में भी 24 प्रकार की वासनाएं होती हैं और उनकी निवृत्ति के लिए 24 अध्याय होते हैं। तो अष्टम स्कंध में भी 24 और नवम स्कंध में भी 24 अध्याय होते हैं। जीवगत वासना की निवृत्ति में मुख्य प्रकार दो ही है, असल में एक अनर्थ की निवृत्ति और एक परमानंद की प्राप्ति, तो दो विभाग हो गया। तो अनर्थ की निवृत्ति के लिए सूर्य वंश और परमानंद की प्राप्ति के लिए चंद्र वंश, ये दो वंश हो गए। क्योंकि परमानंद में मन का सहयोग अपेक्षित होता है और चंद्रमा मन का देवता है, और दुख की निवृत्ति के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है और बुद्धि के देवता सूर्य है, इसलिए दो वंश हो गया, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार होता है और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, ये दो विभाग नौम स्कंध के दो विभाग हैं। अब इनमें द्वादशात्मा सूर्य है, सूर्य को 12 महीना होता है ना, 12 महीना, तो 12 महीने के 12 स्वरूप सूर्य के होते हैं वो उपास्य, और अदिति से जो आदित्य होते हैं, आदित्य माने सूर्य ही होता है, उनकी संख्या भी 12 ही है, 12 12 सूर्य और 12 आदित्य, द्वादश मासात्मक काल ये होता है, इसी से द्वादशाक्षर मंत्र में 12 अक्षर, द्वादशाक्षर मंत्र है ना, तो जीवगत ओम नमो भगवते वासुदेवाय न तु जीवाय, जीवाय नमः नहीं है, ओम नमो भगवते जीवाय। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किसी जीवाई के साथ भगवते लगा देते हैं, अपने अपने गुरु के लिए तो सब महाराज बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं ओम नमो भगवते नानकाय, ऐसे भी बोलते हैं ओम नमो भगवते राम कृष्णाय। तो अब ये कि नहीं, हमारे तो ईश्वर हैं, आपको सुनाते हैं, ठीक है आपके ईश्वर हैं, हम भी मानते हैं ईश्वर हैं, हम कब नहीं मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। पर ईश्वर का एक लक्षण है, वो क्या लक्षण है कि जो प्रपंच की सृष्टि स्थिति और प्रलय का कारण हो, जो सर्वज्ञ हो, जो सर्वशक्तिमान हो। तो यदि किसी व्यक्ति विशेष को ही आप ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे तो ये जगत कारणत्व जो है वो व्यक्ति में सिद्ध होना मुश्किल है।
व्यक्ति से परे करके ही उसको जगत कारण के रूप में सिद्ध किया जा सकता है। असल में तो व्यक्तित्व से और अव्यक्तत्व से भी, अव्यक्त तो बीज है, तो ईश्वरत्व की सिद्धि तब होगी जब बीज और अंकुर दोनों से न्यारा वो किसान के रूप में होगा। बीज से भी न्यारा किसान और अंकुर से भी न्यारा किसान। बीज को बोया किसान ने, सींचा किसान ने, काटा किसान ने, और वो किसान के लिए हुआ। आप देखो ये बात ध्यान में आई ना, बीज का मालिक किसान, बोने वाला किसान, सींचने वाला किसान, काटने वाला किसान, उसको खाने वाला, उसका भोग करने वाला किसान। तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त रूप बीजांकुर है, इस संपूर्ण बीजांकुर का जो किसान है, कृष्ण है, कृषक है, कृष्ण कृष्ण माने कृषक, कृषान, उसको ईश्वर बोलते हैं। खेती हर क्या, सेती क्या बोलते हैं, खेती को सेती बोलते हैं, नहीं सेत करी, सेत करी बोलते हैं। तो सेत माने खेत हो, वो क और ख दोनों से बनता है, तो ख से हम लोग उधर खेती बोलते हैं और इधर ख को ना बोल करके उसका स उच्चारण करके सेती बोल देते हैं। दोनों क्षेत्र शब्द में से निकले हैं, क्षेत्र, सेत कहो चाहे खेत कहो, है क्षेत्र है ना, और वो है किसान नारायण, उसका जो करता धरता है सो किसान है। एक बाबू जी थे, वो हमारे उड़िया बाबा जी महाराज के सत्संग में, बड़े ही विलक्षण थे महाराज, विलक्षण बुद्धि, विलक्षण तर्क, विलक्षण रहनी। तो वो सबसे पूछते कि तुमने ईश्वर को देखा है, साधुओं से पूछते कि तुमने ईश्वर को देखा, तो कोई कोई साधु उनके तर्क वितर्क से परेशान होके कह देते कि हाँ हमने देखा है, वो परेशान कर देते हो, हाँ हमने देखा है, बोले अच्छा हमको दिखा सकते हो। तो एक बार की बात है, एक नर नारायण नाम के साधु थे, वो माँ के सत्संग में बहुत ज्यादा आते थे, शरणानंद जी के पास रहते थे। उनको रात को बाबू जी ने बहुत परेशान किया, तो छाती ठोंक के खड़ा हो गया साधु, हाँ लो ईश्वर का दर्शन करो। मैं तो बाबू जी ने कहा कि भाई तुम जबानी जमा खर्च से अपने को ईश्वर कहते हो, हम ईश्वर तो उसको कहते हैं कि जो सृष्टि स्थिति प्रलय करे। तुम हमारे सामने एक बार ब्रह्मांड का प्रलय करके और फिर से सृष्टि कर दो, और तुम भी बने रहो हम भी बने रहे, तब हम कहेंगे तुम ईश्वर हो। आजकल जो बनावटी ईश्वर होते हैं वो बड़े डरते हैं कि हमारी ईश्वरता पर कहीं आंच ना आ जाए। ये डरने वाले जो ईश्वर लोग हैं वो असल में ईश्वर नहीं है, वो नकली हैं। ईश्वर को भय थोड़े ही होता है। अब आपको ये बात सुनाते हैं। तो दो विभाग हुआ ना क्या, आप ऐसे वैसे को ईश्वर नहीं मान लेना जो सृष्टि स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण है, और जिस धातु में सृष्टि स्थिति प्रलय होते हैं है ना, वो उपादान कारण है। तो आपने सुना ही है तीसरे स्कंध में सर्ग माने उपादान कारणत्व ईश्वर का, और चौथे स्कंध में निमित्त कारणत्व ईश्वर का, पांचवें स्कंध में स्थानाधिष्ठानत्व ईश्वर का। तो नारायण ये श्रद्धा और मनु ये दोनों मानव के मूल तत्व हैं। अब आपको उनके पहले संतान नहीं हो रही थी, हो तो यज्ञ किया कभी कभी, मैंने अब ये देखो ये भी तो एक पौरुष हुआ ना, एक पौरुष हुआ, प्रयत्न किया गया, चुपचाप बैठे नहीं रहे, प्रयत्न किया, यज्ञ किया। तो यज्ञ करने में उपासना का कैसा फल होता है इस अनुग्रह को आप देखें। इस अनुग्रह में क्या विशेषता है कि जब यज्ञ हो रहा था तो मनु की इच्छा थी कि बेटा हो, और उनकी पत्नी श्रद्धा की इच्छा थी कि बेटी हो। ये भी एक मौलिक तत्व है। ये जो हम लोग समझते हैं कि पति पत्नी की इच्छा हमेशा एक ही रहनी चाहिए, पत्नी सोचती है कि पुरुष की इच्छा क्या है। कल आपको सुनाया था ना, एक लड़की अपने बाप से बार बार आग्रह करती कि हमारा ब्याह फौजी से करना, सैनिक से करना, सैनिक से करना, सैनिक से करना,
तो बाप ने कहा आखिर कोई खास सैनिक हो तो उससे कर दे बुला के। बोले नहीं नहीं किसी भी सैनिक से कर दे। बोले तू सैनिक को इतना क्यों पसंद करती है, हट्टा कट्टा जवान होता है इसलिए। बोले ना ना उसको आज्ञा पालन का अभ्यास होता है, सैनिक से मैं जो कहूंगी सो करेगा, मेरी आज्ञा मानेगा, मेरी आज्ञा मानेगा। तो आप देखो श्रद्धा की सारी बात मनु माने ये जरूरी नहीं है, और मनु की सारी बात श्रद्धा माने। आदि दाम्पत्य है हो, आदि दंपति है सृष्टि के, लेकिन दोनों में मतभेद है। तो मतभेद होने से प्रेम में कमी नहीं होती, बोला धर्म में भी त्रुटि नहीं होती। बुद्धि दोनों की अलग अलग है, संस्कार दोनों के अलग अलग हैं, पूर्व जन्म दोनों के अलग अलग हैं, हैं? तो यदि बुद्धि में कदाचित भेद हो जावे, एक ईश्वर को माने एक न माने, माने सहिष्णुता होनी चाहिए। व्यवहार बिना सहिष्णुता के नहीं होता, परमत सहिष्णुता के बिना। तुम कहो कि तुम्हारे मन नहीं है हमारे मन से चलो, और वो कहे कि तुम्हारे मन नहीं है हमारे मन से चलो, तो दोनों ने दोनों के मन की सत्ता अस्वीकार कर दी और लड़ाई हो गई, और उसने उसके मन की मानी, उसने उसके मन की मानी, हो गया संसार चल गया। तो श्रीमती जी जो थी श्रद्धा देवी, वो जाके यज्ञ के जो पुरोहित होते हैं ना उनसे मिली और बोली कि हमारी इच्छा तो है कि बेटी हो गए। तो बेटी हो गई, यज्ञ बेटी पैदा हुई, तो मनु को बड़ा भारी दुख हुआ। ब्रह्मा जी की कृपा से जो संतान होने वाली थी, बेटा होने वाला था, वो बेटी हो गया। अब तो जाके वशिष्ठ को कहा, महाराज आप कैसे पुरोहित हैं, हमारे वंश के पुरोहित कुल पुरोहित बेटे के लिए यज्ञ किया और हो गई बेटी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि लो ये देखो, ये ईश्वर चरित्र का वर्णन है। हो तो वशिष्ठ जी ने विष्णु भगवान की आराधना की। विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा लो तुम्हारी बहुत इच्छा है, तो बेटा बना देता। तो बेटा हो गया सुद्युम्न। अब वो सुद्युम्न महाराज बनाया हुआ बेटा था ना, वो जब शंकर जी के वन में घुस गया तो वहां जाके फिर बेटी हो गया, स्त्री हो गया। फिर शंकर जी की स्तुति की गई तो बोले एक महीना बेटा एक महीना बेटी। जरा इसका मजा देख, एक महीना स्त्री एक महीना पुरुष। ये उपासना का प्रभाव बताया, ब्रह्मा की उपासना के प्रभाव से बेटी हो गई, विष्णु की उपासना के प्रभाव से बेटा हो गया, शंकर की उपासना के प्रभाव से बेटा बेटी दोनों हो गया। तो ये कहीं व्यक्ति में ये तृत्व कहाँ से आया, तीनपना कहाँ से आया? ये ईश्वर चरित्र है, मनु पुत्र जो है वो ईश्वर का अवतार होता है। अच्छा आप लोगों को ये आश्चर्य मालूम पड़ेगा, लेकिन आप जरा अपनी बात पर ध्यान दीजिए। आप भगवान के सामने कभी ये प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा। संसार का एक मनुष्य जो पिता होगा वो माता नहीं हो सकता, और जो माता होगा वो पिता नहीं हो सकता। संसार का कोई भी व्यक्ति जो माता होगी वो पिता नहीं हो सकता, और जो पिता होगा वो माता नहीं हो सकती। माता पिता तो न्यारे न्यारे होते हैं, लेकिन ईश्वर वो चीज है जिसमें माता और पिता दोनों एक हैं। माता के रूप में भी संतान को जन्म दिया सुद्युम्न ने, और पिता के रूप में भी संतान को जन्म दिया सुद्युम्न ने। बुध के संयोग से पुरुरवा हो गया हो तो चंद्रवंश उधर चला गया, चंद्रमा से बुध और बुध से पुरुरवा, और चंद्रवंश का मूल जो है वो यहाँ निकल आया, और सुद्युम्न से जो दूसरा वंश चला वो मानव वंश हुआ, सूर्य वंश हुआ। तो अब ये क्या हुआ, देखो ये भगवत अनुग्रह। एक इसमें तत्व की बात करो, तत्व की बात क्या है का असल में प्रकृति रूप माता और ईश्वर रूप पिता, ये दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व माता और पिता दोनों है। माने अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही निमित्त कारण पिता है और वही उपादान कारण पिता है, और वही निमित्त कारण माता है। माता उपादान कारण नहीं, उपादान वीर्य जो है वो उपादान है। वैसे तो पिता माता दोनों का शरीर है ना, वो निमित्त कारण ही है, और उपादान कारण तो दूसरा ही है मनुष्य का, पंचभूत ही है शरीर का। तो अब ये देखो, पितापना उपादान कारण और मातापना निमित्त कारण, अथवा मातापना निमित्त उपादान कारण और पितापना निमित्त कारण, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं।
तो ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है और सुद्युम्न ईश्वर का कलावतार मनुपुत्र के रूप में अवतार का उसमें भी मातृत्व पितृत्व दोनों है, तो अनुग्राहकत्व जो है वो समान है। देखो क्या विलक्षण ईश्वर का चरित्र है, बेटा को बेटी बना देना, बेटी को बेटा बना देना, बेटा बेटी दोनों को एक बना देना, ये ईश्वर चरित्र है। इसको सुद्युम्न चरित्र बोलते हैं। ये प्रथम स्कंध में प्रथम अध्याय में नौम स्कंध के प्रथम अध्याय में ये कथा आई है। अच्छा अब देखो, सब मनु के जितने पुत्र 10 पुत्र हैं, अब जरा इस पर भी ध्यान दो, है ना, तो मनन और श्रद्धा ये तो एक है, एक आत्मक है दोनों। अब उसके बाद 10 पुत्र हैं उनको, तो इंद्रियां 10 होती हैं ना, प्राण भी 10 होते हैं, इंद्रियां भी 10 होती हैं, और इंद्रियों के विषय भी 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 कर्मेंद्रियों के 10 होते हैं, तो मनु के 10 पुत्र हैं। अब 10 पुत्र में ये आपको सुनाते हैं कि चंद्र कवि ये 2 पुत्र जो हुए वो बड़े विलक्षण सुद्युम्न के भाइयों का वर्णन है। तो प्रषद्र और कवि की क्या व्यवस्था हुई कि वो महाराज रात को गायों का पहरा दे रहे थे, बाघ आया तो अंधेरे में उन्होंने देखा नहीं कि बाघ है कि गाय है, और तलवार मारी, वो बाघ को नहीं लगी, बाघ का तो कान कट गया लेकिन गाय मर गई। तो गोहत्या लगी तो कर्म से इनको अलग कर दो, अब ये यज्ञीय नहीं रहे। बड़ी विचित्र कथा है। तो तुरंत उसको राज्य से वैराग्य हुआ, ये सनिमित्तक वैराग्य है, माने असल में ये भगवान का अनुग्रह है, कोई दोष नहीं था बेचारे का, अनजान में गाय मरी थी, जानबूझ के तो मारा नहीं था, और बाघ पर उसने तलवार नहीं चलाई ये बात भी नहीं थी, क्योंकि इसका प्रमाण था बाघ का कान कट के गिरा हुआ था, तो बाघ को मारने के लिए तलवार चलाई इसका भी प्रमाण था, गाय को मारना नहीं चाहता था, रक्षा करता था, ये भी प्रमाण था, लेकिन ऐसा दोष लगा उसको, ऐसा कलंक लगा कि ये तो गोहत्यारा है, झूठ ही हो, हमको तो बहुत मालूम है, हम 10-20 घटना आपको सुना सकते हैं और जिसमें मनुष्य का दोष नहीं था, उसके ऊपर झूठा ही लोगों को भ्रम हो गया कि ये दोषी है। तो अच्छा, मनु का तो पुत्र, मनु भी ईश्वर के अवतार और प्रषद्र स्वयं ईश्वर का अवतार, और उसको लग गया कलंक कि गाय मारी, तो बोले कि ये भगवान के अनुग्रह की अभिव्यक्ति है, इसमें भी भगवान की कृपा है। अच्छा, अगर वो गाय न मरती और उससे ये गलती न होती और उसको ये कलंक न लगता, गलती तो हुई नहीं, कलंक ही लगा, लेकिन वैसे असावधानी भी एक दोष है, बोला तो बोले भाई अनजान में हमारा पांव घड़ी पर पड़ गया और घड़ी फूट गई, बोले हमारा क्या दोष है, अनजान में पड़ गया, बोले कि नहीं, आंख से देखकर पांव रखना चाहिए, कि ये जो चलने की मर्यादा है उसमें तुमने प्रमाद का बर्ताव किया, तो ये प्रमाद ही दोष है, हत्या का कर्तृत्व नहीं है परंतु प्रमाद तो है ही है, तुमको जितनी असावधानी बरतनी थी। एक आदमी हमारे यहाँ अतिथि आया, बड़ा योग्य पुरुष था, तो मैंने प्रबंध करने वाले से कह दिया कि रात को इनको भोजन करा देना, दूध पिला देना, सोने की व्यवस्था कर देना, तो उसने सोने की व्यवस्था तो अच्छी कर दी, और खिलाना और दूध पिलाना दोनों भूल गया। दूसरे दिन जब वो भजन पूजन करके मेरे पास मिलने आए तो मैंने पूछा कि रात भोजन भाजन सब ठीक हो गया, दूध दूध आ गया, बोले हाँ सब ठीक, ऐसे बोले हाँ सब ठीक ही रहा, सब ठीक ही रहा, तो ही ने तो काट दिया है ना, सब ठीक ही रहा। एक के घर में है बच्चा हुआ था, तो मैंने पूछा कि बेटा है कि बेटी, तो बोले बेटा ही है महाराज, हम उसको बेटा ही समझते हैं, बेटा ही है, कट गया बेटा, बेटी हो गई, बोला वो कभी कभी ही जो है वो निश्चय के अर्थ में नहीं होता है, विपरीत अर्थ में होता है। हाँ, ये भी एक शब्द प्रयोग का ढंग है। अब मैंने उस आदमी को बुलाया, इनको खिलाया रात को, दूध पिलाया,
बोले कि हम तो भूल गए महाराज। अब ये दोष हुआ उसका कि नहीं हुआ आप बताओ? जानबूझ के उसने न पिलाया हो तो बात नहीं, प्रमाद भी दोष होता है। क्यों दोष होता है? कहिए, ज्ञान का विरोधी है ये, साधन का विरोधी है ये, पौरुष का विरोधी है ये, पुरुषार्थ का विरोधी है। इसलिए प्रमाद होना भी दोष है, प्रमाद होना भी पाप है। पर बोलो फिर ये ईश्वर के जीवन में कहां से आया? ईश्वर के जीवन में यह आया कि अनुग्रह प्रकट करना था तुरंत उसको। अब जब संन्यास लेता तब न कर्म त्याग होता, नहीं तो जब तक यज्ञोपवीत रहता, जब तक वो अपने वर्ण धर्म में आश्रम धर्म में रहता, तब तक तो उसको घर गृहस्थी का काम करना पड़ता कि नहीं, ब्याह होता कि नहीं, बच्चे होते कि नहीं, उसको संसार करना पड़ता कि नहीं। लग गया कलंक, और कलंक लगने से एक निमित्त ऐसा बन गया कि वो बाहर हो गया और उसके मन में राज्य से वैराग्य हो गया। बोले तो कौन ये? देखो गाय, गाय की रक्षा करते करते भी जहाँ गाय कट जाती हो, है ना, ऐसे संसार के काम में कौन लगे? विरक्त हुआ और एकांत में गया और गुरु की शरण ग्रहण की, वैराग्य हो गया उसको और तत्व ज्ञान हो गया और वो बिल्कुल जीवन मुक्त हो गया। उसको सनिमित्तक वैराग्य हुआ, ये ईश्वरावतार है। निमित्त से भी वैराग्य हो करके यदि अपने ब्रह्मत्व का बोध हो जाए तो वहाँ ईश्वर का अवतरण है, वो नैमित्तिक वैराग्य बोलते हैं। उसके भाई, दूसरा भाई था कवि, उसको निर्निमित्त वैराग्य हुआ। जन्म से ही विषयेषु निष्प्रिया, जन्म से ही उसके चित्त में विषय प्रिया नहीं थी, राग नहीं था, द्वेष नहीं था, वैराग्यवान था, निवृत्ति परायण था। ये देखो भगवान के अनुग्रह, ये भी एक भगवान का अनुग्रह, ये भी एक ईश्वरावतार का रूप है। और वो तो जट सवाल ब्रह्म ज्ञान हुआ और वो भी मुक्त हो गया। ऐसे ये मनुवंश का चरित्र है नवें स्कंद में। प्रत्येक व्यक्ति में भक्ति है। नव स्कंद को आप फूल जलूल नहीं समझना कि वो पैदा हुए और वो मरे, इतनी कथा है। इसमें भी वैराग्य है, इतने बड़े सप्तद्वीप पृथ्वी के अधिपति हुए जिनका एक छत्र शासन साम्राज्य, और वो अंत में मर गए। उनके साथ न रानी गई, न उनके साथ बेटी गई, न उनके साथ बेटा गया, न धन गया, न साम्राज्य गया। तो ये दुख निवृत्ति के लिए संसार से वैराग्य और सुख प्राप्ति के लिए भगवान का भजन, भगवान में अवस्थिति, भगवान का तत्व ज्ञान, ये बात आप नवम स्कंध में जहाँ देखेंगे वहाँ मिलेगी। अब धीरे धीरे आपको कल शर्याती का, नरक का, अम्बरीश का, ऐसे सबका धीरे धीरे सुनाते चलेंगे।